स्ट्रगल था ही नहीं, लेकिन जो मेरा स्ट्रगल आया वो आया BA+2 के बाद, क्योंकि BA+2 के बाद मुझे 3 साल के बाद मैंने काम किया है। और इशू पता है क्या था? इशू ये था कि BA+2 में कुछ बोल्ड नहीं था, लेकिन जो उसका नाम है ना, उसने मुझे एक स्टीरियोटाइप उसमें डाल दिया कि मतलब शी इज ओके फॉर बोल्ड। तो उसके बाद इतने ऑफर्स आए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे ऑफर्स नहीं आए, लेकिन मुझे इतने अच्छे प्रोडक्शन से भी ऑफर्स आए हैं, लेकिन सब बोल्ड के लिए आए थे और वो मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो इस वजह से गैप भी हो गया और फिर कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये मतलब पूरे 3 ईयर्स मेरे ऐसे ही चले गए। सो नाउ आई एम कमिंग बैक। आप इतने टाइम के बाद यू आर कमिंग बैक, तो फीलिंग क्या थी वापस सेट पे जाने के लिए? कनिका, एक्चुअली जो ये एक्सपीरियंस था ना, वो वर्ड्स में आई कैन नॉट टेल यू वो क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक एक्टर इज ऑलवेज हंग्री फॉर वर्क, फॉर शूटिंग्स, राइट? और जब इतना गैप आ जाता है ना, जब आप गैप के बाद कोई चीज शूट करते हो, तो पहले तो ना आपको ऐसा लगता है कि शायद अगेन, पता नहीं, आप एक नर्वसनेस भी रहता है कि आप वो चीज कर पाओगे उतने ही अच्छे से जितने अच्छे से आपने शुरुआत की थी या नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जब विराट का शूट शुरू हुआ, तो उस टाइम मुझे पता लगा कि डैड, मेरे जो डैड है, उनको वो डायग्नोज हुए थे, उनको कैंसर था फूड पाइप में। तो इवेंचुअली शूट हो गया था हमारा विराट का, और उसके बिल्कुल एंड उसमें मुझे पता लगा कि ये सर्कमस्टांसेस हो गए हैं। तो उसके बाद पापा मेरे साथ मुंबई आ गए, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट कीमो थी, और लास्ट कीमो पे वी डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड ही एक्सपायर्ड। सो वो जो था, वो जो जर्नी था, मतलब मेरे लिए जितनी खुशी सेट पे जाने की थी ना, उससे 100 times बड़ा ये दुख था कि डैड को ये प्रॉब्लम डायग्नोज होगी। तो आप समझ रहे हो ना, मैं उस चीज की खुशी मना पाई जो एक रहता है ना, कि आप एक गैप के बाद आप जा रहे हो, आप शूट कर रहे हो, तो मतलब सब मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे साथ उस टाइम पे। So, how are you coping up with the loss right now? देखो, it's Kanika, you also know it's very difficult. मतलब especially when your parents, you lost a parent, it's like you feel ki now everything is finished. अभी और कुछ नहीं हो सकता है ना? But लेकिन क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब जैसे मेरे फादर थे ना, तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो वैसे हमेशा एक लड़कों की तरह हुई है। तो उन्होंने मुझे ऑलरेडी इतना स्ट्रांग बना रखा था ना, एक बार को तो हम सब टूट जाते हैं, क्योंकि अब क्योंकि वो इंसान अब हमको दोबारा कभी दिखेगा नहीं, उनकी आवाज कभी हमें सुनने को नहीं मिलेगी, कोई हमें बुलाएगा नहीं हमारे नाम से, जिस जैसे पापा बुलाते हैं या जैसे मम्मा बुलाती हैं हमको। तो फिर ऐसा हुआ था, बट मुझे ये पता था कि क्योंकि मैं बड़ी हूँ अपने घर में, आई एम एल्डर, तो आई थॉट कि नहीं, अभी आई हैव टू गेट अप, बिकॉज नाउ आई हैव टू वर्क मोर, आई हैव टू अर्न मोर, एंड आई हैव टू अचीव वॉट माई डैड वॉन्टेड फॉर मी टू अचीव। क्योंकि जब डैड रहते हैं ना, तब हम लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, ठीक है काम हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो क्या है, डैड तो है ना, घर पे जाएंगे ना, ऐश करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हम उस एक डायलेमा में हम लोग रहते हैं। बट जब डैड चले जाते हैं, तो आपको खुद डैड बनना पड़ता है, यू हैव टू प्ले हिज रोल। सो ये था, ऐसा जर्नी चल रहा है अभी तक मेरा।